नुमा चैनल एबी रॉक्स टीम्स बुंडेसलीगा लीग का मैच हो रहा है यूनियन बर्लिन वर्सेस लिप्जिंग के बीच, तो 1 घंटे 47 मिनट बाद मैच होगा। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो बढ़ते हैं आगे, उससे पहले बात करूँ कि यही मेरा ओपन सेफ टेलीग्राम चैनल है, बी अवेयर फ्रॉम एन अदर फेक चैनल्स फ्रॉम माई नेम ओनली एंड ओनली दिस इज़ माई ओरिजिनल चैनल। तो चलते हैं आगे, बात करूँ इस मैच की तो UNN वर्सेस LEP, तो यहाँ पर LEP टीम अगर चाहे तो यूनियन को हरा सकती है, लेकिन हालांकि जो अभी मैच हुआ था लास्ट सीजन जो यूनियन और UNN वर्सेस LEP के बीच हुआ था, उसमें UNN ने इनको हरा दिया था। बट अगर आप ऑल ओवर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें तो LEP ने इनको मैनी परसेंट बार हराया, मतलब बहुत ज़्यादा। बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा फेडरिक रोनो को। फेडरिक रोनो UNN का एक नॉर्मल प्लेयर है, एक्चुअली इसकी जगह ल्यूथ खेला तो मैं उसको ट्राई करूँगा, बट जो भी दोनों में से खेल, कोई भी अगर मैं कहता हूँ गोलकीपर UNN का खेला, वो मेरी टीम में आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। एंड आगे से बात करूँ डिफेंडर की, एंजेलिनो को लूँगा यहाँ पर। एंजेलिनो को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट प्रीवियस मैच के अंदर भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन एंजेलिनो और एन मुकियल दोनों मिडफील्डर्स हैं, मेरी इस बात पे गौर करना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर एंजेलिनो या फिर मुकियल में से अगर कोई प्लेयर गोल करता है तो इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, इसका मतलब समझ जाना कि आपने मेरी वीडियो देखी थी और मैंने आपको कहा था ये दोनों मिडफील्डर हैं। मुकियल और एंजेलिनो को मैं हर बार ट्राई करता हूँ, स्पेशली मुकियल को हर बार मैं ट्राई करता हूँ। आगे से बात करूँ ऑर्बेन की, देखो ऑर्बेन इज़ एन एवरेज डिफेंडर, प्लस अगर मैं बात करूँ अगले प्लेयर की तो अगला जो प्लेयर है जॉस्को, वो भी एवरेज है, बट आप कंपैरिजन मत करना इनका आपस में, क्योंकि ये सारे एक टीम के हैं। कोई भी अगर गोल करता है तो उसमें एक दूसरे में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। एंड आगे से बात करूँ फर्स्टबक की, फर्स्टबक पेनल्टी टेकर है, वापसी कर चुका है, कमबैक हो चुका है इस प्लेयर का। कई लोग कहते हैं इंजरी रिपोर्ट थी, बट नो इट वॉज नॉट इंजर्ड। कई बार प्लेयर को रेस्ट भी दिया जाता है जब ज़्यादा मैचेस खेले, भले ही वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पे जंकी हारागुची को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, एंड इट्स एवरेज प्लेयर, UNN का प्लेयर है, उतना खास है नहीं। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, खिदारी को लूँगा, रानी खिदेरिया जो कि नॉर्मल प्लेयर है, एंड इसकी जगह पहले मैं सोचा था कि ट्राई कर लेता हूँ ऑस्तुनुली को, बट नहीं यार मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि इसका असिस्ट रेशियो ठीक है, बट मेरे को उससे बात मतलब उससे मेरे को काम नहीं है सिस्ट रेशियो से, मैं तो जनरली वैसे ही बता रहा हूँ। एंड आगे से बात करूँ नुकू की, नुकू तो इस सीज़न यार धूम ही मचा के रख दी है। DOR के खिलाफ ये बंदा क्या खेला था, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये DOR को बीट करने की कोशिश भी करेगा, पर ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ही कर गया। क्रूज़ की बात करूँ, UNN का क्रूज़ ले रहा हूँ मैं यहाँ से, एंड एवोनी को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट नहीं मैं लूँगा क्रूज़ को। एंड आगे से बात करूँ पॉल्सन की, वाई पॉल्सन की जगह एंड्रे सिल्वा भी खेल सकता है, जो दोनों में से कोई भी खेला यू हैव टू ट्राई बहुत, अगर दोनों खेले तो दोनों को करना है, बट अगर जो भी एक खेला उसको करना है, बट अभी आप पॉल्सन को लीजिए। आगे से बात करूँ कैप्टन की, नुकू मेरा कैप्टन, वाइस कैप्टन फर्स्ट बक, ये नहीं मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।